हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन के बारे में। कोई भी बॉडी उसका जो मोशन है, मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए कुछ लॉ का ज़रूरत है। ओके, और वो लॉ जो ज़रूरत है वो कौन दिया था? न्यूटन्स ने। न्यूटन्स ने तीन लॉ दिया था किसी भी पार्टिकल की मोशन को। हम लोग उन्हीं लॉ के बेसिस में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो क्या है? हालांकि जो लॉ है वो तुम लोगों को पहले से ही मालूम है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट्स डिस्टर्ब बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है मतलब यूनिफॉर्मली जा रहा है तो वो यूनिफॉर्मली जाएगा, मतलब उसका वेलोसिटी एक ही रहेगा। कब तक? जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे, कोई डिस्टर्बेंस ना आए। बाहर से एक्सटर्नली अगर कोई बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो जो जैसा भी सिचुएशन में है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में है और मोशन में है तो मोशन में है, वो मेंटेन करेगा। यही फर्स्ट लॉ है, ठीक है। स्टेटमेंट तो इसका मेमोराइज कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इसका डेप्थ में जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या है? ये वाला जो टर्म है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये दो टर्म का मीनिंग क्या है? जब कोई बॉडी रेस्ट में रहता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में जाता है, मतलब उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। रेस्ट में है मतलब तो भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, वो जीरो वेलोसिटी में है मतलब जीरो वेलोसिटी में है। यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है मतलब वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है मतलब उसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब उसका सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है मतलब उसका सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि उसका क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है। इसको बहुत डेप्थ में समझना होगा। ये जो बात हम लोग यहाँ पर लिखे हैं रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब हम लोग मैथमेटिक्स लिखते हुए लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे रेस्ट में है मतलब कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं है, वो रेस्ट में ही है। अगर रेस्ट से मोशन स्टार्ट होता तो वहाँ पे चेंज आता, तो वहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन का बात होता, लेकिन वो रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मतलब वो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। यूनिफॉर्मली मोशन है मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, मतलब एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो होगा। कब तक? अनटिल, सॉरी, इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे और एक हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एफ नेट लिख सकते हैं, नेट फोर्स। एक्सटर्नल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब एफ नेट फोर्स इज ज़ीरो। ओके, जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो लगेगा, इसको ठीक से देखना पड़ेगा। जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। या फिर उल्टा भी हम बोल सकते हैं, ए इज़ जीरो इफ एफ नेट इज जीरो, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, एफ नेट अगर जीरो होगा तो ए ज़ीरो होगा। यही फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? ए इज़ जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ नेट इज नेट विल बी ज़ीरो, एंड कॉन्वर्सली इफ नेट इक्वल्स टू ज़ीरो देन वी कैन कंक्लूड ए इज ज़ीरो। अगर किसी सिस्टम का ऊपर व किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होगा मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, और किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो हम लोग सियोरली बता सकते हैं कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? ज़ीरो लग रहा है। टोटल नेट फोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ हम लोग समझेंगे इसके बाद, फर्स्ट लॉ के बाद। मतलब सेकेंड लॉ से पहले और एक चीज़ बात यहाँ पर कर लेते हैं, वो है इनर्शिया। इनर्शिया दो तरह का होता है, एक है स्टैटिक इनर्शिया और एक होता है काइनेटिक इनर्शिया। अच्छा, तो कहाँ पे बात कर रहा था कि स्टैटिक इनर्शिया और काइनेटिक इनर्शिया, दो तरह के इनर्शिया होता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ में हम लोग इनर्शिया का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा? एक तो फोर्स का कॉन्सेप्ट और एक इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का सिचुएशन बदलने के लिए, मतलब उसके एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए बाहर से, मतलब उसका कुछ सिचुएशन चेंज आने के लिए बाहर से जो चीज़ अप्लाई करना पड़ता है उसका नाम ही फोर्स है। अगर फोर्स नहीं रहेगा तो उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। और क्या है? किसी भी बॉडी का आपने जो सिचुएशन है
उसको मेंटेन करने का जो टेंडेंसी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इनर्शिया। इनर्शिया कितना तरह का होता है, दो तरह का, एक होता है स्टैटिक इनर्शिया और एक होता है काइनेटिक इनर्शिया। किसी भी बॉडी का स्टैटिक सिचुएशन मतलब रेस्ट में रहने का जो टेंडेंसी है वो नहीं चाहता कि उसका सिचुएशन चेंज हो, तो ये वाला जो टेंडेंसी है इसका नाम है स्टैटिक इनर्शिया। और काइनेटिक इनर्शिया मतलब जो उसका सिचुएशन है मोशन वाला सिचुएशन उसको मेंटेन करने का जो टेंडेंसी वो है काइनेटिक इनर्शिया। ठीक है, तो फोर्स और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट हम लोग फर्स्ट लॉ में डिस्कस कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ से मिलता है। सेकेंड जो लॉ है उसको समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है मोमेंटम। तो मोमेंटम को पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज मोमेंटम। अगर कोई पूछेगा तुमसे कि तुम यहाँ पे खड़ा हुआ हो और उधर एक बॉडी आ रहा है, कुछ चीज़ आ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो तुम वहाँ पे खड़े रहोगे कि वहाँ पे भाग जाओगे? तो जनरली लोग कहेंगे कि हम भाग जाएंगे, 100 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है, अगर नेक्स्ट मोमेंट में हम बोल दें कि मॉस्किटो आ रहा है या फिर मक्खी आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं भागेंगे। अभी हम बोल रहे थे कि भागेंगे, अभी बोल रहे थे कि नहीं भागेंगे। इन कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन क्या हो रहा है? यहाँ पे कन्फ्यूजन है, अगर नेक्स्ट में बोल दिया कि 100 किलोमीटर पर आवर में एक ट्रक आ रहा है तुम्हारे ओर, तो तुम्हें तो भागना ही है। तो देखो 100 किलोमीटर पर आवर जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा वेलोसिटी है, तो दोनों, एक मक्खी आ रहा है और एक ट्रक आ रहा है, दोनों का इफेक्ट अलग अलग है। सेम वेलोसिटी में आ रहा है लेकिन मास के डिफरेंस की वजह से अलग अलग इफेक्ट हो रहा है। जिसका मास कम है उसका इफेक्ट कम है और जिसका मास ज़्यादा है उसका इफेक्ट ज़्यादा है। मतलब अगर सेम वेलोसिटी वाला दो बॉडी है तो जिसका मास ज़्यादा है उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। उल्टा करके बोलते हैं, अगर दो सेम वेलोसिटी वाला दो बॉडी है, मान लेते कि ये बुलेट है, उसको फेंका जाएंगे, इतना ही मास होगा बुलेट का, ये चौक के जैसा, लेकिन उसमें क्या होगा, इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा। लेकिन ये चौक में क्या होगा, इफेक्टिवनेस कम है। मतलब क्या है, उसमें जो एनर्जी है उसमें ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, जो वेलोसिटी और मास दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, मास और वेलोसिटी दोनों मिला के क्वांटिटी बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, मोमेंटम। इसके अंदर क्या होना चाहिए, मास भी होना चाहिए और वेलोसिटी भी होना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्टिवनेस मास और वेलोसिटी दोनों के साथ रिलेटेड है। मास ज़्यादा होने से भी नहीं होगा, वेलोसिटी भी नहीं होगा, दोनों ज़्यादा होना चाहिए या फिर दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया हमारा मोमेंटम। अब जो सेकेंड लॉ में कॉन्सेप्ट है वो उसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब जो मोमेंटम है कितना तेजी से चेंज हो रहा है वो फोर्स के साथ रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब उसको हम लोग इक्वेशन वाइज कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp बाई dt दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, इसका जो चेंज का रेट है कितना जल्दी वो तेज हो रहा है वो फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ही तेजी से मोमेंटम उसका चेंज हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कांस्टेंट दे के लिखेंगे dp dt, तो यहाँ पे थोड़ा सा कांस्टेंट आ जाएगा, f = k dp बाई dt। अब देखो p की जगह क्या लिख सकते हैं, p की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि d dt ऑफ mv, मास टाइम वेलोसिटी मोमेंटम बैठा दिया। अब देखो km dv dt, क्योंकि ये मास बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मास का चेंज नहीं होता है, तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। dy dt क्या है, एक्सेलरेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स का वैल्यू क्या निकल गया, f = km a, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स। जब ये इक्वेशन बना था, सेकेंड लॉ वाला इक्वेशंस, तब यूनिट फोर्स के बारे में पता नहीं था। मान लेते कि इसका वेट है 2 kg 3 kg, तो 3 kg बाद में आया, पहले क्या आया 1 kg। अगर हम लोग को 1 kg के बारे में पता नहीं होगा तो हम लोग 3 kg कैसे बोलेंगे। 3 kg मतलब हम लोग को 1 kg पता है, यूनिट पता है, उसका 3 गुना है, तो यूनिट पता होना चाहिए। इसी तरह यूनिट फोर्स क्या होता है वो पता नहीं था, तो उसमें क्या किया, एक डेफिनेशन दिया गया। क्या डेफिनेशन, कि अगर इफ़ m = 1 होगा और उसमें a = 1 क्रिएट करना है, देन फोर्स कितना रिक्वायर होगा, वो वाला है यूनिट फोर्स। मतलब यूनिट मास में यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा उसका नाम क्या है, यूनिट फोर्स। द फोर्स रिक्वायर्ड टू
रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन यूनिट मास। यूनिट मास वाला एक बॉडी में यूनिट एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए जितना फोर्स लगेगा उसका नाम है यूनिट फोर्स। तो यहाँ पे ये सब बैठा देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब फाइनल इक्वेशन क्या हो गया, एफ इक्वल्स टू एम ए। सो दिस इज द मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता है कि किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए बाहर क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन अगर है मतलब फोर्स है, अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं रहेगा। अगर फोर्स और एक्सेलरेशन है तो उनको दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो बता दो, वो है एफ इक्वल्स टू एम ए। तो ये है न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को हम लोग अगर समराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर फर्स्ट लॉ देखो, फर्स्ट लॉ क्या होगा यहाँ पे लिख देते हैं ना, फर्स्ट लॉ मतलब अगर ए जीरो है तो एफ नेट विल बी जीरो, अगर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है मतलब कुछ एक्सेलरेशन है तो एफ नेट नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। और दोनों का बीच का रिलेशन क्या होगा, एफ नेट इक्वल्स टू मास द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन। इसको हम लोग कई तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए लोग ऐसे भी लिखते हैं, सम ओवर एफ। सम ओवर एफ मतलब टोटल फोर्स, जितना भी फोर्स है उसका जो नेट फोर्स है उसको निकालना है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू बॉडी का एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ जब हम जो लॉ है, दो लॉ है लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल में कब कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो हम लोग सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको देख लो, इसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। न्यूटन्स लॉ के ऊपर दो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 4 kg, ए बॉडी ऑफ मास 4 kg स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड गेन वेलोसिटी 20 m/s आफ्टर 5 सेकेंड। रेस्ट सिचुएशन से स्टार्ट किए और 5 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी बढ़ के 20 m/s हो गया। ऑब्वियसली क्या है उसमें, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ए फोर्स, बाहर से कोई अप्लाई किया फोर्स, इसीलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स, फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो पहले हम लोग को ए निकालना होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो था, और जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या हो गया, 20 m/s, और इसका टाइम 5 सेकेंड है। तो यहाँ से हम लोग वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वी का मतलब क्या है 20, यू का मतलब 0, ए तो हम लोग को मालूम करना है, और टी का मतलब है 5। तो यहाँ से ए निकल जाएगा 4 m/s². अगर ए निकल गया तो यहाँ से हम लोग एफ इक्वल्स टू एम ए लगा के फोर्स निकाल सकते हैं। एम मतलब 4 और यहाँ पे 4 मतलब 16 N। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो हम लोग न्यूटन, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो दिस इज़ द एफ इक्वल्स टू 16 N, इतना फोर्स इसमें ऊपर लग रहा है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ठीक से समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बॉल ऑफ मास 2 kg इज इंसिडेंट ऑन ए वॉल एट एन एंगल 30 degree। यहाँ पे एक वॉल है, मान लेते कि एक वॉल है, तो एक बॉल 30 degree एंगल में गिरा ऐसे, एंगल कितना है 30 degree, कुछ वेलोसिटी से गिरा, एंड विथ सेम एंगल एंड रिबाउंड विथ द सेम वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी में आया उतना ही वेलोसिटी में और सेम एंगल में 30 degree एंगल बना के रिबाउंड भी हो गया, ये भी 30 degree एंगल ही है। तो यहाँ पे पूछा गया कि चेंज इन मोमेंटम क्या है। अब तुम बोलोगे कि सेम वेलोसिटी में गया है तो इसका इनकमिंग जो इनिशियल मोमेंटम है P1, उसका वैल्यू क्या है, P1 ये मतलब मान लेते कि P2, P1 का वैल्यू क्या है, देखो P1 का वैल्यू है मास टाइम वेलोसिटी, मास कितना है 2, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी यहाँ पे दिया नहीं है, वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 m/s, तो 2 × 3 = 6। और P2 क्या है, P2 भी क्या है, मास टाइम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी पे जा रहा है, मतलब वो भी 3 है, मतलब 6 है। अब पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम, 6 - 6 = 0, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेक्टर है, वेक्टर में तो ऐसा नहीं होता है ना, माइनस 6 - 6 = 0 हो गया, उसको वेक्टर वाइज करना होगा, नॉर्मल स्केलर होता तो होता,
सेम डायरेक्शन में होता तो होता है। अब देखो इसका डायरेक्शन इधर है और इधर है, तो चेंज इन मोमेंटम निकलना है, मतलब क्या निकलना है, पी टू वेक्टर माइनस पी वन वेक्टर है, दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन तो अलग है ना। अब देखो पी टू माइनस पी वन निकलना है, ए वाला पी टू वेक्टर, तो पी वन यहाँ पे पी टू प्लस ऑफ माइनस पी वन, पी टू के साथ माइनस पी वन वेक्टर ऐड करने का मतलब ही है पी टू माइनस पी वन करना। तो माइनस पी वन वेक्टर कैसे मिलेगा, ए पी वन वेक्टर है तो इसको अपोजिट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी वन वेक्टर, पी वन वेक्टर इधर था माइनस पी वन वेक्टर इधर है, तो ये जो माइनस पी वन वेक्टर है ये हो गया माइनस पी वन वेक्टर और ये हो गया पी टू वेक्टर्स। अब इन दोनों को ऐड करना है माइनस पी वन के साथ पी टू, पी टू प्लस माइनस पी वन, तो इसको ऐड करना मतलब ऐसे हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसको ऐसे ऐड कर देंगे, ये वाला हो जाएगा नेट रिजल्टेंट। तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू हो गया यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, तो डेल्टा पी का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू लिख रहे हैं रूट ओवर ऑफ पी टू स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर प्लस टू पी टू पी वन कॉस थीटा। पी टू का मतलब क्या है, सेम है सिक्स, सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू सिक्स कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है, ये थर्टी है, थर्टी है तो बाकी यहाँ पर क्या बचा, 60 चला गया तो 120 बचा, तो यहाँ क्या करना है कॉस 120 कितना होगा, 36 प्लस 36 72, इसमें क्या हो जाएगा 72 इंटू कॉस 120, कॉस 120 क्या होता है माइनस हाफ होता है, तो क्या हो जाएगा 36, 72 माइनस 36 तो 36 उसका रूट मतलब 6 आंसर आएगा। 6 मोमेंटम का यूनिट क्या होता है पता है, मास का यूनिट क्या है किलोग्राम, मोमेंटम मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर देखो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एम टाइम वी, वी वेक्टर है तो मोमेंटम वेक्टर है, तो वेक्टर को हम लोग ऐसे चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन मोमेंटम मतलब माइनस कर देंगे, नहीं होगा, उसको वेक्टर वे में माइनस करना पड़ेगा तभी उसका चेंज इन मोमेंटम आएगा, उसमें एक मतलब डायरेक्शन भी रहेगा। इसीलिए ये दो प्रॉब्लम हम लोग कर लिए, ये थोड़ा सा इजी है, ये थोड़ा सा एडवांस है। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये पहले ये प्रॉब्लम दो सॉल्व कर लो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इम्पल्स के बारे में, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, जब किसी बॉडी में इंस्टेंटेनियसली कुछ ह्यूज अमाउंट का फोर्स लगता है, मान लेते कि ऐसा है एक चौक, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे मार दिया, तो चलो तो यहाँ पे जो मारा उसका जो कांटेक्ट टाइम है बहुत कम है, खूब स्मॉल इंटरवल के लिए हम लोग फोर्स लगाए लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स लगा, ओके मतलब क्विकली कुछ फोर्स, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है मतलब उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इम्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है इम्पल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, फॉर कोई स्मॉल टाइम के लिए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगेगा तो वो वाला फोर्स का नाम क्या होगा, इम्पल्सिव, उसका नाम है इम्पल्सिव फोर्स, एंड इम्पल्स इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, और फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इम्पल्स आएगा, मतलब इम्पल्स एक क्वांटिटी है तो उसको कैसे मेजर किया जाता है, इम्पल्स आई इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, डेल्टा टी भी लिख सकते हो, डी टी भी लिख सकते हो, तो एफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, एफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू इम्पल्स, इसका डेफिनेशन है, ओके। अब देखो इम्पल्स के वजह से क्या होता है उसको देखते हैं, एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब एम है इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना, तो ए के जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, छोड़ो ऐसे मत लिखो, न्यूटन के लॉ से एफ का मतलब क्या है, न्यूटन्स लॉ से एफ मतलब डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है कि नहीं, क्योंकि के का वैल्यू वन था, सो एफ की जगह हम लोग डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं, और यहाँ पे डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कट जाएगा तो रहेगा डेल्टा पी। तो इम्पल्स का मतलब क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम, मतलब किसी भी बॉडी में इम्पल्स लग रहा है मतलब इम्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है उसमें मोमेंटम का एक चेंज आ रहा है, ऐसे रखा हुआ था ऐसे करके उसको मार दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इम्पल्स बनेगा। इम्पल्स कब बनता है, जब
क्विकली कुछ फोर्स लगता है और उसमें सडनली क्या होता है, मोमेंटम का चेंज आ जाता है। जैसा कि एक बॉल आ रहा है, उसको बैट से हिट किया तो सडनली एक फोर्स लगा, एक बार लगा मतलब थोड़ा सा इंटरवल के लिए लगा और उसका मोमेंटम क्विकली चेंज हो गया, ठीक है। तो वो क्या है, इंपल्स है। इंपल्स का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आई इज इक्वल टू डेल्टा पी मिला, मतलब इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एज वेल। लेकिन ओरिजिनल डेफिनेशन यही है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज इंपल्स। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ए बॉल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक बॉल है 30 मीटर पर सेकेंड में मूव कर रहा है बॉल, एंड इज हीटेड बाय ए बैट। यहाँ पे एक बैट, उसको कोई हीट किया, ऐसा बैट में जाके वो ऐसे लगता है हीट किया, एंड इट इज़ रिटर्न बैक विथ वेलोसिटी 50, एंड उसको क्या होगा, रिटर्न हो रहा है, मतलब ऐसे 50 मीटर पर सेकेंड में रिटर्न हो गया। ऐसे बॉल जा रहा था, उसको ऐसे मारा बैट ने, इधर जाने लगा 50 मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है डेल्टा टी, छोटा जो टाइम इंटरवल है वो 0.1 सेकेंड है। 0.1 सेकेंड के लिए वो टच में था बॉल का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कितना फोर्स लगा था। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या, यहाँ पे जो केस है इंस्टेंटेनियस कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पे केस क्या है, इंपल्स का केस है। तो यहाँ पे हम लोग इंपल्स लिख सकते हैं। इंपल्स मतलब क्या लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी टाइम इंटरवल। ऑल्सो इंपल्स मतलब और क्या होता है, डेल्टा पी भी होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो फोर्स का वैल्यू क्या है निकालना है, इसका वैल्यू 0.1, डेल्टा पी मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, देखो फाइनल मोमेंटम क्या है, अब देखो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या है, अगर ए हमारा एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो इधर जाने वाला सब पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव था, सो फाइनल जो जा रहा है नेगेटिव है, इसीलिए क्या लिखेंगे, मास टाइम वेलोसिटी। मास कितना है, मास दिया हुआ है, मास नहीं दिया तो मास लिख लो यहाँ पे, मास 2 kg बॉल का। तो इसका मास क्या है, 2 kg मल्टीप्लाइड बाय माइनस 50, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, मतलब ए वाला मोमेंटम 50 वेलोसिटी और मल्टीप्लाइड बाय मास मोमेंटम। इधर जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, फाइनल मोमेंटम नेगेटिव है, माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, वो पॉजिटिव है ऐसे। तो क्या हो जाएगा, माइनस 100 माइनस 60, तो क्या हो जाएगा, माइनस 160 होगी, नहीं होगा। तो यहाँ पे एफ निकल जाएगा, माइनस 160 बाय 0.1, मतलब हो जाएगा माइनस 1600 न्यूटन, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा है। अब यहाँ पे पूछोगे कि माइनस क्यों आया सर, माइनस इसीलिए है, मतलब माइनस तो आना है, बैट किधर फोर्स लगाया, नेगेटिव एक्स एक्सिस सब इधर मारा तो वो तो इधर फोर्स लगाएगा ना, इसीलिए नेगेटिव आया। जिसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो साइन विथ साइन आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इंपल्स लगा वो इधर लगा। जब भी हम लोग फैक्टर से काम करेंगे ना तो ऑरिजिन फिक्सअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका डायरेक्शन बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो ए वाला डेल्टा पी की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल माइनस पी आई। तो पी फाइनल का वैल्यू ये है और पी आई का वैल्यू ये है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी कुछ केस मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस कुछ चेंज होगा, तभी वो क्या है, इम्पल्स का केस है, उसको ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है। थर्ड लॉ सबको पता है, एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको थोड़ा सा डीपली सीखेंगे, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे एक बॉडी है, दोनों ए इधर जा रहा है, इधर जा रहे हैं, दोनों क्या हुआ, दोनों का कोलिशन हुआ है, ऐसे कोलिशन हुआ है यहाँ पे। तो दोनों जब कोलिशन हुआ, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी है, तो जब कोलिशन होगा तो क्या होगा, फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी को जितना फोर्स लगाएगा, सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ए वन है, ए टू है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू मतलब ए इधर फोर्स लगाएगा इसको,
मतलब हम लोग अगर देखेंगे कि फर्स्ट बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है F12, और सेकेंड बॉडी के ऊपर कितना लग रहा है F21। देखो इस नोटेशन का मीनिंग है क्या है कि फोर्स ऑन 1 2, ऐसा लिखने का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका मतलब है पहला वाला जो इंडेक्स होता है, यहाँ पे एक सफिक्स में हम 1 2 लिखा, तो पहला वाला जो इंडेक्स है उसका मतलब जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा वाला क्या है कॉस, जो फोर्स लगा रहा है, मतलब F 3 4, इसका मतलब है फोर्स ऑन 3 2 4, मतलब 4 3 के ऊपर फोर्स लग रहा है, ये इफेक्ट है और एक कॉस है, ये क्या है इफेक्ट और ये क्या है कॉस, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके, कि जो फर्स्ट बॉडी है सेकेंड बॉडी में जितना फोर्स लगाएगा, सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी में इतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन क्या होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। इसे हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं कि किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर नेट फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, अंदर अपने अंदर फोर्स रह सकता है। मतलब कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम मतलब एक कलेक्शन ऑफ फ्यू बॉडीज, मान लेते कि 2 बॉडी मिला के एक सिस्टम बना है सिस्टम, तो बाहर से अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उन लोगों को, तो वो अंदर में खुद के ऊपर डिस्टर्ब कर सकता है, एक दूसरे के साथ टक्कर मार सकते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब कोलिशन हो सकता है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल मोमेंटम क्या होगा कंजर्व होगा। इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, देन नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है। सो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। दोनों बॉडी मिला के एक सिस्टम बना है, तो बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो दोनों का जो टोटल मोमेंटम है वो एक रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। टोटल मोमेंटम अगर 10 है तो बाद में भी क्या होगा 10 ही रहेगा, खुद के बीच में कॉलिशन हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जा सकता है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, 2 पार्टिकल का एक सिस्टम M1 और M2, इसका इनिशियल वेलोसिटी U1 है, इसका U2 है, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इसीलिए 2 पार्टिकल है, इसलिए U1 लगा दिया, U2 लगा दिया। दोनों का बीच का कॉलिशन हुआ, मतलब खुद के बीच में कॉलिशन हो रहा है, उसके बाद क्या होगा वेलोसिटी चेंज हो गया, इसका भी वेलोसिटी चेंज हो गया, उसका कुछ बदल गया, U1 से V1 होगा, U2 से V2 हो गया, ठीक है। मतलब खुद के बीच में कॉलिशन होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से मतलब कुछ मोमेंटम इधर उधर हो सकता है, किसी का मोमेंटम डिक्रीज होगा बढ़ेगा, वो कुछ हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P1 ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू P2 ऑफ द सिस्टम, मतलब क्या है, सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो पहले था फाइनल टोटल मोमेंटम एक ही रहेगा। हाँ, हालांकि खुद के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, जैसा कि इस रूम में मान लेते हैं कि 50 बच्चे हैं, तो अगर बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, मान लेते हैं कि सबके पास कुछ ना कुछ पैसा है, तो बाहर से अगर टोटल कुछ भी एक पैसा है, टोटल अमाउंट ऑफ पैसा है, अगर बाहर से कोई पैसा नहीं देगा और किसी इंटरफेयर नहीं करेगा, तो सिस्टम का टोटल मतलब इस क्लास में जितना बच्चे हैं सब मिला के टोटल पैसा एक ही रहेगा। अपने आप में एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन टोटल तो एक ही रहेगा ना, जो भी हो रहा है एक ही साथ रह रहा है, यहाँ पे रह रहा है, बाहर से तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया। इसी तरह क्या हुआ, इन दोनों में बीच में कई सारा सिस्टम में मतलब कई सारा बॉडी रह सकता है, तो सबके बीच में कॉलिशन हुआ, एक दूसरे के साथ कुछ एक्सचेंज हुआ, हो सकता है वो इंटरनली हुआ, मतलब सिस्टम के सिस्टम का मेंबर्स है तो उसमें हो सकता है, लेकिन जब तक बाहर से कोई डिस्टर्ब ना करे इसका मोमेंटम क्या होगा सेम रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1 U1 प्लस
एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू. दिस इज द मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ. मतलब क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो वाला जो प्रूव है उसको करेंगे. मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करना है फ्रॉम द थर्ड लॉ. ठीक है, मतलब हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता नहीं, हम थर्ड लॉ पता है, ऐसे हम लोग को पकड़ना पड़ेगा. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी है, इसका बॉडी का मास m1 है और यहाँ पे और एक बॉडी है जिसका मास m2 है. इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है. यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर साइन क्यों नहीं लगा रहे हैं, कि वो एक ही लाइन में है इसीलिए नहीं लगा रहे हैं. उसके यहाँ पे कॉलिशन हुआ, कॉलिशन के बाद क्या हुआ, वेलोसिटी में कॉन्फिगरेशन में चेंज आ गया, v1 आ गया बाई v2 आ गया और यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2 है. तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यह नहीं लिख सकते कि वो हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोगों को सिर्फ पता है न्यूटन थर्ड लॉ. ये फर्स्ट बॉडी है, सेकंड बॉडी है, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, फर्स्ट बॉडी है सेकंड बॉडी है. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जब यहाँ पे कॉलिशन हुआ तो एक दो को फोर्स लगाएगा, दो एक को फोर्स लगाएगा. लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ से क्या मिलेगा बोलो, थर्ड लॉ से मिलेगा कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ टू ड्यू टू वन. लिख सकते हैं, दो एक के ऊपर जितना फोर्स लगा रहे हैं, एक दो के ऊपर इतना ही फोर्स लगा, लेकिन नेगेटिव साइन में लगा रहे हैं. अब देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, डेल्टा टी दे के मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विथ डेल्टा टी. कर सकते हैं वो साइड को डेल्टा टी, मतलब टाइम इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो इसमें ए वाला जो चीज़ है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, मतलब क्या है, इम्पल्स. लेकिन किसके ऊपर इम्पल्स, इम्पल्स मतलब क्या, जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है. तो यहाँ पे कौन फोर्स लगा रहा है, दो लगा रहा है, तो यहाँ पे इम्पल्स दो का चेंज नहीं होगा, वहाँ का वन का चेंज होगा. फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, एफ के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ मतलब सॉरी फर्स्ट बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो क्या है, एफ वन टू और टाइम इंटरवल डेल्टा टी, मतलब इट इज़ इम्पल्स ऑफ फर्स्ट बॉडी. लिख सकते हैं, एंड इट इज़ इम्पल्स ऑफ सेकेंड बॉडी. सेकेंड बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाइड बाई टाइम, सेकेंड बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला इम्पल्स. अब देखो फर्स्ट बॉडी का इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा ऑफ पी उस फर्स्ट बॉडी का. इसका मतलब क्या है, डेल्टा ऑफ पी सेकेंड बॉडी का, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम का कितना चेंज, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. फर्स्ट बॉडी का कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, अच्छे से देखना. इसका मोमेंटम क्या था, एम वन यू वन, चेंज हो गया क्या, एम वन वी वन. तो चेंज कितना हुआ, एम वन वी वन माइनस एम वन ई वन. दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी. सेकेंड बॉडी में कितना चेंज हुआ, यहाँ पे एक माइनस साइन पहले से ही था, पहले था एम एम टू यू टू, उसके बाद हो गया एम टू वी टू. तो एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू. अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम टू वी टू प्लस एम टू यू टू. अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, एम वन वी वन है तो एम वन एम एम टू यू टू लिख लेते हैं, एम वन यू यू वन इसको दाएं तरफ ले जाते हैं प्लस सॉरी एक लाइन इधर लिखते हैं, एम वन वी वन इधर ही है और इसको इधर ले जाते हैं प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन यू वन दाएं तरफ ले गया एम टू यू टू. ये क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पी टू ऑफ सिस्टम और ये हो गया पी वन ऑफ सिस्टम. मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो गया. मतलब इसको हम लोग नहीं जानते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम, हम सिर्फ थर्ड लॉ जानते हैं. तो वहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे पहुँचना है, मतलब प्रूव ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फ्रॉम थर्ड लॉ. अब उल्टा भी प्रूफ दे सकता है कि थर्ड लॉ से कंजर्वेशन मोमेंटम प्रूव किया, कंजर्वेशन मोमेंटम से थर्ड लॉ प्रूव, तो उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर से, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा. ठीक है, मतलब जस्ट द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस.